ये क्लीनिंग के ब्रशेस इधर उधर पड़े ही रहते थे और जहाँ पर भी रखती थी जगह को ऑक्यूपाइड करते ही थे, जगह को घेर करके रखते थे। यहाँ पर ना जब मेरे ये बना हुआ नहीं था लिविंग रूम, तब इधर मैंने एक खूंटी टांगी थी कपड़ों के लिए। ये ऐसे ही पड़ी हुई थी, मतलब कुछ काम में नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा यहाँ पर टांग देती हूँ और यहाँ पर कर्टेंस लग जाएंगे तो फिर ये ना दिखेंगी भी नहीं। कैसा लगा आइडिया बताना ज़रूर। बाय द वे, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है नेक्स्ट डे और संडे की मॉर्निंग है। डस्टबिन धोना और ये ना वॉशरूम धोना, बाथरूम धोना, ये सारे काम बहुत सारे हो जाते हैं। और आज एकादशी से नेक्स्ट डे है, यानी कि द्वादशी, और आज है ना 8:15 तक है ना मुझे पारण भी करना है, तो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हो रही है। इसलिए आज मैंने बाथरूम को तो वॉश ही नहीं किया था, और पूजा करने के बाद में सीधे ही मैंने ना चावल चढ़ा दिए थे बनने के लिए, और चावल बनाने रखने के बाद में मैं ये डस्टबिन वगैरह के काम करने लग गई थी कि इनको इनकी जगह पर रख दूँ। और यहाँ पर ना हाथ की आती है ना, मैं दाल भी भिगो करके रख दे रही हूँ ताकि है ना ये दाल भीग जाएगी, बाद में बनाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं ना चावलों का भोग लगा करके अपने व्रत का पारण कर ले रही हूँ। संडे जो है वैसे तो रिलैक्सिंग ही होता है, क्योंकि ऐसे ही लंच बॉक्स की कोई भागम भाग नहीं होती है, लेकिन आज बस है ना व्रत का पारण करना है इसलिए थोड़ी सी जल्दबाजी थी। बाकी तो है ना ऐसी कोई जल्दबाजी रहती नहीं है, बाकी के दिनों में रहती है जैसी की। अभी तो वैसे रामायण का पाठ भी चल रहा है, तो रामायण में ना बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आती हैं, जिनमें से एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। कहानी नहीं है, मतलब कि हमारे लिए तो कहानी है। तो वशिष्ठ जी से ना राम जी ने पूछा जब वनवास हो गया था उसके बाद में कि मैं कहाँ पर जाकर रहूँ। तो वशिष्ठ जी ने जो प्यारा सा उत्तर दिया वो था कि प्रभु पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ नहीं हो, तभी तो मैं बताऊँ कि आपको कहाँ जाकर रहना चाहिए। तो इतना प्यारा उत्तर, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये सुन करके। और फिर बाद में उन वशिष्ठ जी ने ना फिर बताया था कि आप उन भक्तों के हृदय में जा कर के रहिए जिनके सिर्फ प्राण धन आप ही हैं, जो सिर्फ आपको देख करके ही जीते हैं, जिनका ध्यान सिर्फ आपके चरणों में ही रहता है। भोग आदि लगा लिया था और उसके बाद में अपने व्रत का पारण भी कर लिया था। वैसे तो चरणामृत से भी हो जाता है, लेकिन चावल का भोग लगाना ज़्यादा अच्छा होता है, तो मैं चावल का भोग लगा देती हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने दाल तो पहले ही भिगो दी थी, तो दाल जो है बनाऊँ उससे पहले मैं सोच रही थी दलिया बना लेती हूँ, फिर उसी कुकर में ना दाल बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने दलिया ले लिया है, बस इतना ही बचा था, तो मैंने सारा ना अब इसको ख़त्म कर लूँगी और जो नए पैकेट्स आए हैं उनको भर लूँगी। तो यहाँ पर कुकर के अंदर डाल लिया है और इसके अंदर ही इसको ना बीन लूँगी, क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं है, तो इसी के अंदर ही बीन लेती हूँ। और फिर बस घी डाल करके इसको भून लूँगी और उसके बाद में इसके अंदर पानी और नमक डाल करके 3 से 4 सीटियाँ मैं ले लेती हूँ। तो इस तरह से जो दलिया है वो बन करके तैयार हो जाता है। दलिया बीन लीजिए, लेकिन बीनने के बाद में, भूनने के बाद में, पानी डालने के बाद में जो ये ऊपर की तरफ जो ये तैरते रहते हैं ना, इनको आप है ना स्पून से हटा जरूर लीजिए, क्योंकि जो ये ख़राब होते हैं ना, ये लाइट वेट हो जाते हैं और ऊपर की तरफ आ जाते हैं, इनमें कोई भी न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं और मुँह में जा कर के अलग सा टेस्ट देते हैं। तो इन्हें मैं इस तरह से स्पून से हटा लेती हूँ और फिर बस सीटी ले लूँगी।
इसका ढक्कन एक्चुअली ढीला है, तो मैं इस तरह से इसको पन्नी लगा करके फिर बंद करती हूँ, जिससे कि इसका ढक्कन जो है वो टाइट हो जाता है। फिर इसके अंदर चींटियाँ हैं या फिर किसी भी तरह का मॉइस्चर है या कुछ भी जाने का डर नहीं रहता है, दलिया मतलब ख़राब होने का डर नहीं रहता है। थोड़ा बहुत काम समेट समुटो के मैं अब रूम में आ गई हूँ, जिससे कि बेडशीट वगैरह झड़का लूँ। सबके उठते के साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि बस अब मैं बेडशीट झड़कार दूँ, क्योंकि बेडशीट के झड़कारते ही ऐसा लगता है कि कमरा साफ़ हो गया है। फिर उसके बाद में बाकी की चीज़ों को आप उनकी जगह पर रख दीजिए, बस ऑर्गेनाइज घर जो होता है ना वो अपने आप ही ब्यूटीफुल लगता है। और अभी आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर मैंने दाल बना ली थी और साथ में यहाँ पर मैंने चाउमीन बनाई थी एक्चुअली वंशु के लिए और हर्षित के लिए। मैं तो प्याज खाऊंगी नहीं, लेकिन ये है ना, ये हर्षित तो खा ही रहा है और के पापा भी, बस मैं नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने दाल में तड़का भी लगा लिया है, तो यहाँ पर बस सिंपल सा ही तड़का लगाया, मतलब जिसके अंदर मैंने प्याज या किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया है। टमाटर भी मैंने बॉईल करते समय ही डाल लिए थे, तो दाल चावल हो जाएंगी मेरा तो सिंपल सा फूड, क्योंकि चावल होते हैं ना तो उसके साथ मैं रोटियां वगैरह नहीं लेती हूँ, हस्बैंड जी लेते हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ी सी है ना दो चार रोटियाँ सेक दूँगी उसी टाइम पर ही। और कल की वीडियो में आपको बता रही थी ना, उसका मैं डब्बे का कुछ ना कुछ करूँगी, तो मैंने सोच लिया कि मैं यहाँ पे लगाऊँगी अंडर सिंक। यहाँ पर सिंक के नीचे मेरे बहुत ज़्यादा सीलन रहती है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, ऐसा लगता है यहाँ पे छिपकली बैठी होगी या कुछ बैठा हुआ होगा, तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं रखती हूँ। और ये वैसे ही ऐसे ही जगह है ना, घी ना मतलब कुछ काम नहीं आ रही है। वैसे तो जब है ना ये बना था उस समय ना कहा भी था फर्नीचर वालों ने कि ना यहाँ पर आप है ना डस्टबिन का लगवा लीजिए, पर वही था कि ना डस्टबिन भी रखवाते तब और ज़्यादा कीड़े मकोड़े होते। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इसका है ना यूज़ कर लिया और इस तरह से यहाँ पर सामान रख लिया है, क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स और ये है ना भगवान के बर्तन वगैरह मांजती हूँ ना, उसका जूने का डब्बा वगैरह इधर उधर पड़ा रहता था, तो अब इधर इसको एक जगह भी मिल गई है। कैसे लगे आपको दोनों आइडियाज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। मुझे तो दोनों ही आइडियाज़ काफ़ी अच्छे लगे, और ना ऐसा हिडन प्लेसेस होती है ना, वहाँ पर अगर रख दो ऑर्गेनाइज रहता है घर तो अच्छा लगता है, अपने आपको खुद को ही बड़ा सुकून मिलता है। वैसे तो यहाँ पर ना ऑर्गेनाइजर से ना मार्केट में इतने अच्छे अच्छे स्टील के अवेलेबल हैं, ऑनलाइन मैं देखती हूँ बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन वही है कि अपना खुद का भी अपन को देखना चाहिए कि अपनी चादर कितनी है, अपना बजट कितना है। तो अगर इन्हीं चीज़ों से मेरा काम चल रहा है तो क्यों नहीं, तो मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ जिससे कि मेरा घर ऑर्गेनाइज रहे। और यहाँ पर आ गया था दूध, रात हो चुकी है, दूध आ गया था तो दूध गर्म हो रहा है। और वीडियो के बीच में मैंने ना गुरु वशिष्ठ जी बोल दिया था, गुरु वशिष्ठ जी नहीं है सॉरी, याज्ञवल्क्य जी थे वो मुनि, और उनसे श्री रामचंद्र जी ने पूछा था कि ना मैं कहाँ पर जाकर के अब रहूं, तो उन्होंने याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप नहीं हो, आप तो सर्वव्यापी हो, अंतर्यामी हो, सबके हृदय में वास करने वाले हो। तो यही था, तो चलिए अब इस वीडियो को मैं ना इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए। कीप एंजॉयिंग, जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्ण। और प्लीज़ कॉमेंट जरूर कर दिया कीजिए, आपके कॉमेंट्स का मुझे वेट रहता है, और साथ ही साथ है ना लाइक जरूर कर दिया कीजिए। आपके एक लाइक के लिए ही ना इतना हम जो है मेहनत करते हैं, नहीं तो घर के काम तो फटफट हो जाते हैं, लेकिन है ना कैमरे को इधर उधर सेट करना और इतनी ब्यूटीफुली है ना सब चीज़ को है ना प्रेजेंट करना आप लोगों के लिए,
थोड़ा ना होता तो है ये ना मेहनत, तो इसके बदले एक लाइक तो है ना हम डिजर्व करते ही हैं। तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया कीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।